एशिया कप 2022 का सुपर फोर की चार टीमों का अनाउंसमेंट हो चुका है और जिस घड़ी का इंतजार आप और हम सभी को था, यानी कि भारत और पाकिस्तान का एक और महामुकाबला, वो हमें देखने को मिल रहा है। जी हाँ, वो हो चुका है जो होना चाहिए था और जिसका भारतीय फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे थे। 4 सितंबर को भारत और पाकिस्तान के बीच में महामुकाबले की तैयारी कर लीजिए, क्योंकि पाकिस्तान ने हांगकांग को हराकर उस ग्रुप में दूसरा स्थान प्राप्त किया है और सुपर फोर में क्वालिफाई करने वाली चौथी टीम बन चुकी है। और अब सुपर फोर के अंदर पाकिस्तान का पहला ही मुकाबला भारत के सामने है। 4 सितंबर को शाम 7:30 बजे एक और महामुकाबला भारत और पाकिस्तान के बीच में खेला जाएगा। लेकिन सवाल तो ये उठता है कि टीम इंडिया ने लगातार एशिया कप में ग्रुप मुकाबले जीते हैं, इसके बावजूद भी आखिर क्यों रोहित शर्मा पाकिस्तान के खिलाफ प्लेइंग 11 में बड़ा बदलाव करने जा रहे हैं, जिसकी तस्वीर लगभग साफ कर दी गई है। आइए आपको बताते हैं आखिर क्यों प्लेइंग 11 में बदलाव हो रहे हैं, किन दिग्गज खिलाड़ियों को बाहर का रास्ता दिखाया जा रहा है तो किन खिलाड़ियों को मौका मिल रहा है, आइए एक एक करके बताते हैं आपको इसे खास रिपोर्ट में। लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले, अगर आप ही हैं टीम इंडिया के बहुत बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाएं और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकॉन को दबाएं ताकि क्रिकेट जगत की तमाम बड़ी अपडेट आप तक पहुंचती रहे। तो जैसा कि आप जानते हैं, भारत और पाकिस्तान के बीच में महामुकाबला 4 सितंबर को खेला जाएगा। अगर आप सुपर फोर की बात करते हैं तो सुपर फोर के अंदर 4 टीमें शामिल की गई है और प्रत्येक टीम बाकी 3 टीमों से मुकाबला खेलने वाली है। ऐसे में भारत पाकिस्तान से भी मुकाबला करेगा, अफगानिस्तान से भी करेगा और करेगा बांग्लादेश क्रिकेट टीम के साथ में भी। और पहले पायदान पर या दूसरे पायदान पर अगर भारत इन 4 टीमों में से रह पाती है तो भारत फाइनल में चली जाएंगी, टॉप 2 टीमें फाइनल में प्रवेश कर जाएंगी। लेकिन भारतीय टीम की सबसे बड़ी चुनौती उस टीम की प्लेइंग 11 को लेकर है। लगातार जीत के बावजूद भी भारतीय फैंस इस बात को लेकर काफी हैरान रह रहे हैं, प्लेइंग 11 में लगातार रोहित बदलाव कर रहे हैं। लेकिन अब पाकिस्तान के खिलाफ भारत की प्लेइंग 11 क्या रहेगी, आइए आपको बताते हैं। जो बड़े बदलाव हो रहे हैं वो गेंदबाजी में हो रहे हैं, ऑलराउंडर के अंदर देखने को मिल रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं ओपनिंग बैट्समैन के बारे में। ओपनिंग में बात करें तो कप्तान रोहित शर्मा का ओपन करना तय है, हालांकि उस फॉर्म और लय में तो नजर नहीं आ रहे हैं जिसके लिए रोहित जाने जाते हैं, लेकिन फिर भी रोहित कप्तान है और इनका ओपन करना तय है। और पाकिस्तान के खिलाफ इस बार तो रोहित की तरफ से एक बहुत बड़ी और विस्फोटक पारी देखने को मिल सकती है। लेकिन बात करते हैं इनके साथ में कौन रहने वाला है, तो ये बात साफ है कि ऋषभ पंत को मौका मिलने वाला है। जी हाँ, ऋषभ पंत वो खिलाड़ी जो लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज हैं, भारत की ये नई ओपनिंग जोड़ी लेफ्ट एंड राइट कॉम्बिनेशन के साथ में उतरने वाली है। ऋषभ पंत लंबे लंबे छक्के लगाने के लिए जाने जाते हैं, इस लिहाज से कहा जा सकता है कि ऋषभ पंत का प्लेइंग 11 में खेलना तय माना जा रहा है। इस लिहाज से कहा जा सकता है कि ऋषभ पंत ओपनिंग करने वाले हैं। लेकिन इसके साथ में तीसरे पायदान पर टीम इंडिया के रन मशीन विराट कोहली फॉर्म में लौट चुके हैं। हांगकांग के खिलाफ एक शानदार विस्फोटक अर्धशतक की पारी खेली और पाकिस्तान के खिलाफ भी बहुत ही सूझबूझ भरी पारी खेलकर किंग कोहली ने ये बता दिया कि उनके नाम के आगे किंग क्यों लिखा जाता है। और चौथे पायदान पर टीम इंडिया के मिस्टर 360 डिग्री, तारीफ में तो शब्द ही कम पड़ जाते हैं। हांगकांग के खिलाफ जिस तरह की बल्लेबाजी करी वो काबिले तारीफ है। भारत और हांगकांग के बीच की हार और जीत का अंतर केवल सूर्य कुमार यादव बने, इसीलिए कहा जा सकता है कि चौथे पायदान पर इनकी जगह पक्की है। पांचवें पायदान पर जगह पक्की है हार्दिक पांड्या की। जी हां, ऋषभ पंत जो कि पांचवें पायदान पर हांगकांग के खिलाफ खेले थे, लेकिन अब हार्दिक पांड्या की वापसी हो रही है और पांचवें पायदान पर इस खिलाड़ी का खेलना तय है। न केवल गेंदबाजी बल्कि बल्ले और बाकी फील्डिंग से भी तो टीम के लिए 3D का योगदान देते हैं, विस्फोटक अंदाज में बैटिंग करते हैं। पाकिस्तान के अंदर हार्दिक पांड्या का खौफ समाया हुआ है। छठवें पायदान पर नाम दिनेश कार्तिक का आता है। दिनेश कार्तिक वो खिलाड़ी जिन्हें फिनिशिंग का रोल दिया जा रहा है। दिनेश कार्तिक वो खिलाड़ी जो फिनिशिंग के लिए भी भारतीय टीम में शामिल हुए हैं। 16 से 20 ओवर के बीच में उन्हें उतारा जाता है जरूरत पड़ने पर और वो अंदाज, वो फिनिशिंग जो करते हैं वो वाकई में काबिले तारीफ है। छठवें पायदान पर इनका खेलना तय है। सातवें पायदान पर नाम आता है रविंद्र जडेजा का। जी हाँ, जडेजा 3D प्लेयर, कहां पर आपको गेंदबाजी से बहुत महत्वपूर्ण योगदान देते हैं तो बल्लेबाजी से पाकिस्तान के छक्के जुड़ा देते हैं। कहीं ना कहीं पहले मुकाबले में जहां पाकिस्तान को हराने में जडेजा का महत्वपूर्ण योगदान रहा और गेंदबाजी तो फिर क्या ही कहने, और फील्डिंग में यानी 3D प्लेयर है। लेकिन इनके बाद में अब बात करते हैं 4 गेंदबाजों के बारे में।
तो भुवनेश्वर कुमार के ऊपर नई गेंद से विकेट लेने की जिम्मेदारी हमेशा सही रही है और इस बार भी भुवनेश्वर कुमार के ऊपर नई गेंद से विकेट लेने की जिम्मेदारी रहने वाली है। भुवनेश्वर कुमार कमाल के गेंदबाज हैं, लेकिन इनके साथ में अर्शदीप सिंह का खेलना आता है। अर्शदीप सिंह वो खिलाड़ी है जो 10th ओवर के कमाल के गेंदबाज माने जाते हैं। अर्शदीप सिंह के अलावा भारत के पास कोई ऑप्शन है नहीं, लेकिन इनके साथ में भारत जो है तेज गेंदबाज के साथ में नहीं बल्कि इस बार स्पिन गेंदबाजों के साथ में जा सकती है। रवि बिश्नोई को मौका मिल सकता है। रवि बिश्नोई वो खिलाड़ी है जो टीम इंडिया का तुरुप का इक्का माना जाता है। रवि बिश्नोई वो खिलाड़ी है जो विकेट टेकर गेंदबाज है, इसलिए रवि बिश्नोई को यहाँ पर मौका मिल सकता है। क्योंकि योगी चहल कुछ खास लय और टच में नजर नहीं आ रहे हैं और न ही ज्यादा विकेट चटका पा रहे हैं। चाहे हांगकांग के खिलाफ भी बात कर ले तो यूजी उस लय में नजर नहीं आए, तो अब यूजी या आवेश खान में से किसी एक को मौका मिल सकता है। ज्यादा प्रायोरिटी यूजी चहल की रहती है क्योंकि आवेश से तो अच्छी गेंदबाजी करवा रहे हैं। आवेश खान फास्ट गेंदबाज जरूर है लेकिन उस लय और फॉर्म में नहीं, और भारत के पास अन्य तीसरा तेज गेंदबाज जो हार्दिक पांड्या के रूप में विकल्प है। तो कुल मिलाकर जो है इस तरह की टीम इंडिया की प्लेइंग 11 रहने वाली है। तो यहाँ पर यह देखना बड़ा दिलचस्प होगा कि आवेश खान को मौका मिलता है या फिर रवि बिश्नोई को, क्योंकि यूजी चहल की जगह पक्की लग रही है। लेकिन भारत की इस प्लेइंग 11 के बारे में आपकी क्या राय कमेंट सेक्शन में बताएं। बाकी फिलहाल इस वीडियो में इतना ही।